निकाय चुनाव से ही जुड़ी यह खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतदान में अब एक हफ्ते का वक्त ही बचा है। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों ने वोट मांगने की रफ्तार जो है वो तेज कर दी है। निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर मांग की जा रही है। असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर रखने की बात हो रही है। निकाय चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब मतदान में सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता बचा है, क्योंकि 19 जून को निकाय चुनाव है। उम्मीदवारों ने वोट मांगने की रफ्तार ऐसे में तेज कर दी है। मतदान कराने को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन अलग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो प्रशासन अलर्ट हो चुका है। पोलिंग बूथों की भी जांच की जा रही है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और बात अगर उम्मीदवारों की करें तो इधर इन्होंने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। वोट मांगने के प्रयास में तमाम ये जो उम्मीदवार हैं वो जुटे हुए हैं और तेजी से अब वोट मांगते हुए ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा, बस एक हफ्ते का समय ही शेष रह गया है चुनावों में। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और वोटिंग का समय 19 जून है वोटिंग की तारीख, और ऐसे में अब तैयारियों के लिए जो टाइम है वो ज्यादा बचा नहीं है। तो उम्मीदवारों की बात अगर करें तो इन्होंने भी अब वोट मांगने की जो कवायद है वो तेज कर दी है। तो निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हैं और ऐसे में छोटी सरकार के लिए होने जा रहे इन चुनावों में आम जनता की भी भूमिका रहने वाली है, और ये खास हो जाती है बात, इसीलिए तमाम उम्मीदवार अब तैयारियों में जुट गए हैं। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवाड़ी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सिरसा से ये जुड़े हैं। और छोटी सरकार के लिए जल्द ही यानी कि 19 तारीख को होने जा रहे हैं इलेक्शन। अमित, उम्मीदवारों की अगर बात की जाए, कैसी इनकी तैयारियां नजर आ रही है, क्योंकि अब वोट मांगने का जो सिलसिला है वो भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से सृष्टि, जब दिन घटते हैं तो दौड़ भाग बढ़ती है, यानी कि चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे ही दौड़ भाग बढ़ेगी। और जो जिन नेताओं के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वे भी अपनी दौड़ जो है वो अपने अपने हलकों में लगाएंगे। इसी पैटर्न पर काम करते हुए ही राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी अपने अपने हलकों में उतर रहे हैं, अपने अपने शहरों में जा रहे हैं, और वहां छोटी सरकार अपने अपने बलबूते बना लें, अपने समर्थक उनमें ज्यादा से ज्यादा आ जाएं, और जो चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं उनमें चेयरमैन उनके चुने जाएं, इसी उम्मीद और भरोसे के साथ वे लोग जनता के बीच जा रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से उनके जो ज्यादा से ज्यादा आदमी जो है उनके चुनकर, उनके समर्थक चुनकर नगर पालिकाओं में पहुंचे और नगर पालिका के चेयरमैन पद तक पहुंचे। सिरसा की बात करूं मैं तो डवाली में नगर परिषद है और रानिया और एलनाबाद दो ऐसे इलाके हैं जहां नगर पालिकाएं हैं, और दोनों के लिए ही नेता दौड़ धूप कर रहे हैं। अगर एलनाबाद की बात करें तो वहां चेयरमैन के लिए जो सुरक्षित आरक्षित है, और वहां के लिए राजेश कनवाड़िया भाजपा ने उम्मीदवार उतारे हैं, और इसके साथ साथ कांग्रेस के और समर्थित और इनेलो समर्थित भी उम्मीदवार वहां उतरे हैं। लगातार नेता वहां दौड़ धूप कर रहे हैं। सांसद सुनीता दुग्गल और वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा वहां कार्यालयों के उद्घाटन में व्यस्त रहे। लगातार गोविंद कांडा वहां लगातार सक्रिय हैं और करीब 10-11 वार्डों में उन्होंने वहां कार्यालयों का उद्घाटन भी किया है। 17 वार्ड है, उनमें से 3 जो निर्विरोध चुन भी लिए गए हैं एलनाबाद में। इसी तरह से रानिया की बात करें तो रानिया में जो भाजपा के समर्थित भाजपा के उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के लिए,
उनके लिए विशेष रूप से सक्रिय हैं हरियाणा सरकार में। बिजली मंत्री रणजीत सिंह वे लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं और अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि उनका जो चेयरमैन है वो बनना चाहिए ताकि जो विकास की दौड़ में भी आगे आएगा। क्योंकि सीधे रूप में सृष्टि अगर बात करें तो जब चेयरमैन की बात आती है, इस बार जो नगर परिषद और नगर पालिकाओं में डायरेक्ट चेयरमैन चुनना जाना है उसके लिए ज्यादा सक्रियता देखी जा रही है। जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं वो पूरे शहर में ही वोट की अपील करते हुए घूम रहे हैं। उनके समर्थक भी किसी न किसी तरीके से मतदाताओं को अपनी ओर लाने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। 19 जून है और अभी करीब अगर माना जाए तो 6 दिन बाकी हैं, उसमें लगातार दौड़ धूप करना जरूरी भी है उनके लिए। क्योंकि और अमित, जिस तरह से आपने जिक्र किया, अगर बड़े चेहरे ही ऐसे छोटी सरकार को के चुनावों में प्रचार करने के लिए उतर जाए तो उससे समझ आता है कि ये इलेक्शन जो है कितने महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सृष्टि, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है छोटी सरकार और आप भी बात करें छोटी सरकार की, जब छोटी सरकार की बात है तो बड़ी सरकार में शामिल यानी कि राज्य सरकार में शामिल मंत्रियों को भी दौड़ धूप करनी पड़ती है। क्योंकि जो राजनीति है वो निचली जमीन से चलती है। नगर परिषद चुनाव को हालांकि वार्डों के हिसाब से छोटी सरकार के रूप में हम देखते हैं, लेकिन वहीं से जो है राजनीति सियासत वहीं से शुरू होती है, वहीं से समर्थकों की दौड़ धूप होती है शुरू, और वो अपने वर्करों को अपने समर्थकों को एडजस्ट करने की एक रहती है कोशिश। तो एमसी उनके ज्यादा से ज्यादा चुने जाएं, चेयरमैन उनका चुना जाए, तो यही इसीलिए सभी लोग प्रयास करते हैं, चाहे वे मंत्री हैं या वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। अब भाजपा सिंबल पर चुनाव लड़ रही है तो उनके पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे लगातार लोगों के बीच जाएं और भाजपा की ही जो नगर पालिका बने, नगर परिषद बने, इसकी कोशिश रहती है। जी अमित, आप बने रहिए क्योंकि एक बड़ी खबर सामने